कोरोना हो चुका है विकराल। संभाली नहीं संभल रही हालात। दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ रहे केस। क्या दिल्ली हो चुका है कोरोना विस्फोट? क्या कम्युनिटी में फैल चुका है कोरोना? क्या आम लोगों के घरों में घुस चुका है कोरोना? कोरोना के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं? जो मरीज पॉजिटिव मिल रहे हैं उनका कॉन्टैक्ट सोर्स क्या है? क्या कोरोना को रोक पाना अब असंभव हो गया है? दिल्ली में बढ़ रहे कोरोना केस के बाद ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर इंसान को चाहिए। ये वो सवाल हैं जो दिल्ली का हर बाशिंदा पूछ रहा है। लेकिन इन सवालों का सही जवाब क्या है? क्या दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के बयान को सही मान लिया जाए? हम तो ये कह सकते हैं स्प्रेड है, दिल्ली में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब उसका वर्ड जो कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड यूज करने की अधिकार तो केंद्र सरकार के पास, वही बता पाए। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है। बीते 8 दिन से रोजाना 1000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। हालांकि 3 से 4 दिन में मरीजों की संख्या कुछ घटी है, लेकिन उसका मुख्य कारण दिल्ली में बिना लक्षण वाले लोगों का कोरोना टेस्ट नहीं होना है। 2 जून को दिल्ली में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1298 नए मामले सामने आए थे। 3 जून को 24 घंटों के दौरान दिल्ली में नए मामलों की संख्या 1513 रही। 4 जून को 24 घंटों के दौरान दिल्ली में कोरोना के नए मामले रहे 1359। 5 जून को दिल्ली में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1330 मामले सामने आए। 6 जून को 24 घंटे के दौरान दिल्ली में नए मरीजों का आंकड़ा रहा 1320। 7 जून को भी इस आंकड़े में थोड़ी कमी आई और कोरोना के नए मरीजों की संख्या रही 1282। 8 जून को दिल्ली में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1007 नए मामले दर्ज किए गए। 4 जून से ही दिल्ली के आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है। कोरोना के मरीजों की संख्या घट रही है, तो ऐसा क्यों है कि दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड की चर्चा हो रही है और स्वास्थ्य मंत्री को बार बार बयान बदलना पड़ रहा है? सुबह कम्युनिटी स्प्रेड होने की बात कही गई, लेकिन कुछ ही घंटों बाद बयान से पलट गए और कहा कि अभी दिल्ली पर कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा नहीं है। थर्ड स्टेज होती है कम्युनिटी स्प्रेड तब कहा जाता है जब उस आदमी को इन्फेक्शन कहाँ से मिला है उसको नहीं पता होता, और ऐसा एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केस हैं। इधर दिल्ली में सीएम और उपराज्यपाल के बीच फिर से एक जंग छिड़ गई है। दिल्ली के सीएम ने बिना लक्षण वाले मरीजों के टेस्ट पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा है कि दिल्ली में सभी मरीजों का कोरोना टेस्ट किया जाए। इधर दिल्ली के मामले डरा रहे हैं। खुद डिप्टी सीएम का कहना है कि दिल्ली में सामने आने वाले कोरोना मरीजों में बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके कोरोना कॉन्टैक्ट की कोई जानकारी नहीं है। भारत में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले चिंता पैदा कर रहे हैं। बीते एक सप्ताह से रोजाना करीब 10,000 केस भारत में सामने आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। दिल्ली सरकार की माने तो कोरोना के केस 12 से 13 दिन में दोगुने हो रहे हैं। यदि कोरोना मरीजों की संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो दिल्ली में 15 जून तक कोरोना के 44,000 मामले होंगे और इलाज के लिए अस्पतालों में 6,600 बेड की जरूरत होगी। 15 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 2.25 लाख मामले होने का अनुमान है और इलाज के लिए 33,000 बेड्स की जरूरत होगी। 31 जुलाई तक कोरोना मरीजों की संख्या 5.5 लाख तक पहुंच जाएगी और इलाज के लिए 80,000 बेड्स की जरूरत होगी। हालांकि दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यह है कि सरकार बेड बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। रेलवे से भी क्वारंटीन कोच मांग लिए गए हैं और 15 जून तक दिल्ली में कोरोना बेड्स की संख्या 9,800 हो जाएगी। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी कोरोना के मरीजों के लिए। दिल्ली सरकार का कहना है कि कोरोना की यह हालत तब है जब कुछ वक्त पहले तक लॉकडाउन लागू था। मनीष सिसोदिया ने कहा कि खुद दिल्ली के लोगों को ही कोरोना से लड़ने के लिए मौजूदा संख्या से कहीं ज्यादा तादाद में बेड्स की जरूरत है। उन्होंने उपराज्यपाल के फैसले पर भी सवाल उठाए। आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व रखा जाए, उनके लिए ही सीमित रखा जाए।
लेकिन कल एलजी साहब ने उस फैसले को पलट दिया था। हालांकि इस बार दिल्ली सरकार उपराज्यपाल के फैसले पर सीधे सीधे सवाल उठाने से बच रही है। सरकार कह रही है कि उनकी कोशिश पूरे देश से शहर में आकर इलाज कराने वालों के लिए अच्छी व्यवस्था करने की रहेगी। सिसोदिया ने ये भी कहा कि अभी कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड का फैसला केंद्र सरकार करेगी। कम्युनिटी स्प्रेड उस स्टेज को कहते हैं जब एक इलाके में कोरोना मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब ये पता नहीं चल पाता कि कोरोना संक्रमण कहां से फैल रहा है और मेन सोर्स कौन है। इधर दिल्ली वालों के लिए चिंता की बात यह है कि सीएम केजरीवाल बीमार पड़ गए हैं और उनका कोरोना टेस्ट भी हुआ है। उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जल्द स्वस्थ होंगे और दिल्ली के लोगों को महामारी संकट से बाहर निकालने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।